हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आपको हमारे वीडियो काफ़ी पसंद आ रहे हैं और आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव और जो भी जान पहचान के लोग उनको बताना चालू कर दिया होगा चैनल के बारे में। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के बारे में लोगों को इसलिए बताइए क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर होंगे उतना ही हम लोग और मोटिवेट होंगे और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि अभी तक हम लोग काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स बता चुके हैं और आप लोगों को उसमें काफ़ी हेल्प हो रही होगी, इसी हमें उम्मीद है। और ये जितने भी वीडियो हैं आपको हर एग्ज़ाम में काम आएंगे, चाहे आप कैट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एमबी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, या बैंक की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो ये सभी फील्ड में आपको ये सब काम आएगा। तो आप जितने ज़्यादा लोगों को बताएंगे उतनी ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाएगी और इधर से हम अपनी तरफ से भी कोशिश करेंगे कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के लोगों की हेल्प कर पाएँ, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग मुझे टेस्टिमोनी लिखेंगे और लोगों को हमारे चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे। अब आज का सेशन चालू करते हैं। अगर लास्ट सेशन आपने देखा होगा तो उसमें हमने क्वेश्चन किया था जिसमें एक स्क्वायर था ए बी सी डी, जिसकी साइड थी ए। उसमें मैंने क्वेश्चन में दे दिया था कि साइड 16 है, इसमें भी साइड 16 दे देता हूँ, ठीक है। अब ए और डी को सेंटर लेके हमने दो क्वार्टर सर्कल बनाए थे जिनकी रेडियस भी क्या थी, ए, ठीक है, जो स्क्वायर के अंदर ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे। तो लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, यहाँ पे एक सर्कल बनाया था और इसकी रेडियस पूछी थी कि क्या होगी। इस सेशन में हम क्वेश्चन क्या है कि इनके बाहर हमने एक सर्कल बनाया है जो दोनों क्वार्टर सर्कल को टच कर रहा है, एक साइड को टच कर रहा है, इसकी आप लोगों को रेडियस बतानी है कि क्या होगी, ठीक है। तो आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। अभी जिन लोगों ने लास्ट सेशन में कॉन्सेप्ट सीखा था हो सकता है वो इसको सॉल्व कर लें, क्योंकि मैंने उसमें एक हिंट कर दी थी कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो दो मिनट आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा और कॉन्सेप्ट भी इसमें सिखाऊंगा और आखिरी में एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। शॉर्ट ट्रिक से क्या होगा, आप अगर डायरेक्ट वैल्यू याद कर लें तो आपको एग्जाम में 10 या 15 सेकंड में आंसर लगा देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसकी रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर है, तो आपको क्या निकालना है, स्मॉल आर, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, जैसे लास्ट सेशन में किया था वैसे ही करते हैं। मान लेते हैं पूरे स्क्वायर की जो साइड है उसकी लेंथ है ए, तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, ए बाय टू। अगर ये सर्कल की रेडियस आर है तो ये भी आर होगा, ऐसे एक पैरेलल लाइन खींचूं, ये भी क्या होगा, आर होगा, ये भी आर होगा। यहाँ डी पॉइंट से मैं एक लाइन खींचता हूँ जो सेंटर से मिल, ये, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, डी से ये सर्कल और आर्क जो है यहाँ तक की लेंथ क्या हो जाएगी, ए, और ये आर और होगी, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी। अगर इस सेंटर को मान लूँ तो डी ओ की लेंथ क्या हो जाएगी, ए प्लस आर, ठीक है। इस पॉइंट को टी मान लेता हूँ, डी टी क्या हो जाएगा, ए माइनस आर, क्योंकि डी सी पूरा ए होगा और टी सी आर है, तो डी टी क्या हो जाएगा, ए माइनस आर, और ओ टी तो हमें पता ही है क्या है, ए बाय टू। वापस से पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस क्या होगी, डी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी स्क्वायर प्लस ओ टी स्क्वायर। तो डी ओ स्क्वायर मतलब ए प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस ओ टी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बाय फोर। इसको इधर ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा, ए प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय फोर। आपको फॉर्मूला शायद पता होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फोर ए बी, फोर ए बी होता है ना, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, फोर ए आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय फोर। तो एक ऐसे एक ए कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू क्या आ गई, ए बाय 16। ठीक है, तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बाय 16। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और ये शॉर्ट ट्रिक भी याद कर लीजिए कि अगर छोटा सर्कल है तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, स्क्वायर की जो भी साइड होगी उसका डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सेशन में मैंने जो बताया था, अगर मान लेते हैं ये सर्कल यहाँ पे बना था और इसकी रेडियस है कैपिटल आर,
तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या होती है ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, देखते हैं कि आपको वो याद है कि नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।